हल्द्वानी में बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। बुद्ध पार्क में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धरने पर कार्यकर्ता बैठे। महेश नेगी पर रेप के आरोप की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने विधायक पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। बता दें कि बीजेपी के विधायक ही महिला का शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। सरकार के दबाव में विधायक पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप कांग्रेस ने लगाया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो महेश नेगी का मामला जो तूल पकड़ता चला जा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है हल्द्वानी में और मांग की है कि जल्द से जल्द उन पर कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा कांग्रेस के जरिए। बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। रेप के आरोपों की उच्च स्तरीय मांग की गई है। महेश नेगी के ऊपर जिस तरह के यौन शोषण के आरोप लगे हैं, तो कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी के विधायक की महिला का शोषण करते हैं। सरकार के दबाव में विधायक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हल्द्वानी में बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हम सब लोग, क्योंकि कांग्रेस का ये चरणबद्ध आंदोलन है, पहले एक सप्ताह पहले हमने मांग करी थी। पूरे राज्य में एक सुर्खियों में है सबसे बहुत महत्वपूर्ण मामला, एक महिला के यौन शोषण को लेके एक मामला चल रहा है, उसके अधिकारों के हनन को लेके चल रहा है, महिला के उत्पीड़न को लेके चल रहा है, और सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी पर ये आरोप है। हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि प्रथमतया भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदार जो नारा देकर, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर सत्ता में स्थापित हुई थी, और समयबद्ध तरीके से इस राज्य के अंदर पिछले 3-4 सालों में कई बेटियों की यहाँ पर इस तरीके के आरोप लगे हैं बेटियों के थ्रू, कि इस राज्य के अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में यहाँ के पदाधिकारी प्रभारी रहे हों, चाहे आज ये विधायक रहे हों, लगातार इस तरीके से यहाँ पर इस राज्य के अंदर ऐसा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस मांग को लेकर आज धरने में बैठी है कि इसकी स्पष्ट जाँच हो।